सुनो सुनो सुनो, चित्तौड़ के नागरिकों सुनो, मेवार की रानी वीर भाई जी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है। सुनो सुनो सुनो, जिसके शुभ अवसर पर उदय सिंह जी ने सभी प्रजाजनों को कल अर्थात राजकुमार जी के जन्म के 11वें दिन नामांकन समारोह में सभी को अपने राजमहल में सादर आमंत्रित किया है। सुनो सुनो सुनो, चित्तौड़ के नगर वासियों सुनो 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 सुनो। देखो, अब फिर से ये मत बोल देना कि तुम वापस महल के अंदर जाकर गिरफ्तार होने वाले हो। बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, इतना बड़ा खतरा तुमने सिर्फ ये जानने के लिए उठाया था कि महाराणा उदय सिंह और उसके मंत्री तुम्हें पहचानते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि अब प्रताप को मारने के लिए हम उसके बहुत करीब जा सकते हैं। लेकिन अगर इस अपराध में पकड़े जाते तो वो लोग कम से कम 15 बरस के लिए तुम्हें काल कोठी में डाल देते। क्या फर्क पड़ता है? प्रताप को मारना हमारी जिंदगी का मकसद है। 15 बरस क्या, सारी जिंदगी इंतजार करना पड़ा तो हम हंसते हंसते कर लेंगे। छोटी माँ, क्या अब हम अपने छोटे भाई को दाजीराज के पास ले जा सकते हैं? अवश्य। ओम एकलिंगाय नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा, ओम श्री परमात्मने नमः स्वाहा। अब राजपूत परंपरा के अनुसार मेवाड़ के जो सबसे वीर राजपूत माने जाते हैं, वे छोटे राजकुमार को जन्म घुट्टी पिलाएंगे। जी पंडित जी, रावत जी को बुलाया जाए। राणा जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम चाहते हैं कि कुंवर प्रताप अपने छोटे भाई को जन्म घुट्टी पिलाए। परंतु बेना, कुंवर प्रताप तो अभी बालक है, वे घुट्टी कैसे पिला सकते हैं? तो क्या हुआ, कुंवर प्रताप ने राणा जी को युद्ध में विजय दिलवाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनसे अधिक साहस्य कौन हो सकता है? और वैसे भी अगर कुंवर प्रताप अपने छोटे भाई को कुछ पिलाएंगे तो हमें संदेह नहीं होगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। इस सम्मान के लिए बहुत धन्यवाद छोटी माँ। बाबूजी राज, अब आप छोटे राजकुमार के कान में उनका नाम बोलेंगे। बाबूजी
प्रताप, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, यहाँ बड़ी गर्मी है, हम तो पिघल ही जाएंगे। हाँ बस लीजिए मंजली माँ। कुंवर प्रताप, क्या नाम रखा अपने छोटे भाई का? जिसमें पूरे संसार से लड़ने की ताकत हो, जो पूरे जग से मल कर सकता हो, उसका नाम है जगमाल। रानी माँ, आप भी आइए ना, आप वहां क्यों इतने कोने में खड़ी है? कुंवर प्रताप, यहाँ पर बहुत गर्मी है और वहां हवन के पास तो और भी होगी, हम यहीं ठीक है। महारानी का नामकरण के समय इतनी भीषण गर्मी, ये अशुभ है। जाता है, हर समय बुरा सोचना अच्छी बात नहीं है। तो चलिए अब हम ये आनंद पूरी प्रजा के साथ बांटेंगे और छोटे राजकुमार जगमाल का पूरी प्रजा से परिचय करवाएंगे। चलिए सुरदन सिंह जी, आप प्रजा को ये भेंट बांटिए, हम अभी आते हैं। हुकुम। ये क्या है प्रथा? छोटी माँ, ये हमारी ओर से हमारे छोटे भाई के लिए भेंट। याद रखिएगा कि जब भी हमारा छोटा भाई किसी भी अस्त्र शस्त्र को थामे, तो सबसे पहले वो इस खंजरी को ले। बहुत सुंदर है ये खंजर, बस थोड़ा बड़ा हो जाने दो इसे। जगमाल को आपकी ये भेंट बहुत अच्छी लगेगी, पर सच कहें तो कुंवर प्रताप, आपके छोटे भाई के लिए आपकी सबसे बड़ी भेंट तो तब होगी जब आप अभ्यास के अंतिम चक्र तक पहुंच जाएंगे, ताकि सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के लिए आपका मुकाबला सीधे कुंवर शक्ति के साथ हो। तो फिर आप तक भी ये समाचार पहुंच गया छोटी माँ? क्यों नहीं, अपने सबसे प्रिय पुत्र की सारी जानकारियां तो रखेंगे ना हम। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम अंतिम चक्र तक पहुंच जाए। एक बार हम अंतिम चक्र तक पहुंच जाए तो फिर चाहे भाई शक्ति जीते या फिर हम, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा हमें छोटी माँ। हमने दाजीराज को वचन दिया था कि हम उन्हें कभी निराश नहीं करेंगे। यदि हम इस प्रतियोगिता में असफल हो गए तो फिर दाजीराज बहुत दुखी होंगे हमसे। आप क्यों असफल होंगे, हमारा आशीर्वाद है ना आपके साथ। चलते हैं छोटी माँ, हमें बहुत तैयारियां करनी। कुंवर प्रताप। दाजीराज, खमा गणी दाजीराज, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ, हमसे कह देते हम स्वयं आ जाते। कुंवर प्रताप, आज प्रतियोगिता के अंतिम चक्र के चुनाव के लिए आपकी अंतिम स्पर्धा है। हुकुम। जब हम छोटे थे कुंवर प्रताप, तब आपकी दादी रानी ने हमें यह रत्न आशीर्वाद स्वरूप दिया था और कहा था कि यह बहुत भाग्यशाली है।
और यह भी कहा था कि इस रत्न को धारण करने वाले को एक लिंग जी का आशीर्वाद भाग्य की तरह साथ देगा। कुंवर प्रताप, हम चाहते हैं कि आप ये रत्न धारण करें ताकि एक लिंग जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे और आपका कल्याण करें। लीजिए कुंवर प्रताप। धन्यवाद अजीराज। आज की कुश्ती प्रतियोगिता आपकी अंतिम स्पर्धा है। इसके परिणाम से यह तय होगा कि गुरुकुल में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के सम्मान के लिए कुंवर शक्ति के साथ कौन मुकाबला करेगा। हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस प्रतियोगिता का परिणाम चाहे जो भी हो, अब तक गुरुकुल में आपको जो भी शिक्षा मिली है उसमें आप दोनों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है, अर्थात इस प्रतियोगिता की सफलता विजेता के लिए मात्र एक उपलब्धि होगी। मान सिंह, आप हमारे बहुत प्रिय मित्र तो है ही, पर आज हम कुश्ती एक प्रतिद्वंदी से लड़ेंगे। ये जीत हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये हम आपको बता नहीं सकते, पर यदि इस प्रतियोगिता में, इस कुश्ती में हमसे कोई अनुचित हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। चिंता मत कीजिए बाबूजी राज प्रताप, इन सब बातों को हम अपने मित्रता के बीच नहीं आने देंगे। और हाँ, इस कुश्ती को हम ऐसी स्थिति तक लाएंगे कि आपके पास हारने के अलावा और कोई मार्ग ही नहीं होगा। प्रताप, हमें आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप फिर से ना हारें। आज की कुश्ती में बाबूजी राज प्रताप को विजेता घोषित किया जाता है। आप दोनों ने ही कड़ा संघर्ष किया, अंतिम प्रतिस्पर्धा के लिए
हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दादा भाई, अब आप और हम। हाँ भाई शक्ति, लगता तो ऐसा ही है। अब पता चलेगा कौन सर्वश्रेष्ठ है। देखते हैं। तो आपने क्या सोचा है राणा जी? हम जानते हैं धीर भाई जी कि कुंवर प्रताप मेवाड़ के श्रेष्ठ राजा बन सकते हैं। और कुंवर शक्ति, उनका क्या राणा जी? ये पक्षपात आप सज्जा जीजा को कैसे समझाएंगे? कैसे कहेंगे उनसे कि उनका पुत्र जो इतना योग्य है, इतना समर्थ है, आपकी आंखों में मेवाड़ नरेश का उत्तराधिकारी बनने के उपयुक्त नहीं है। तो आप क्या चाहती हैं धीर भाई जी? कि हम गुरुकुल की प्रतियोगिता के आधार पर मेवाड़ का भविष्य तय करें? राणा जी, आपका निर्णय हमारे लिए सर्वमान्य है, पर हम नहीं चाहते कि कोई आपकी निष्ठा या आपके कर्तव्य पे प्रश्न चिन्ह लगाए। इसलिए निर्णय लेने से पहले एक बार सज्जा जीजा की राय जरूर लीजिएगा। कुंवर शक्ति, आपको पता है, आपकी छोटी मासा हमें बता रही थी कि अगर आप इस प्रतियोगिता में कुंवर प्रताप को हरा देंगे ना, तो आपके दाजीराज आपको ही उत्तराधिकारी बना देंगे। और पता है क्या, वो राणा जी से जाके खुद इस बारे में बात करेंगी। क्षमा कर दीजिए हमें सज्जा जीजा। हम ही मूर्ख थे जो हमने आपके मन में कुंवर शक्ति के लिए सपने सजाए। कर लेंगे कोई कठोर प्राश्चित हम। आप ये क्या कह रही हैं बेना? अब हम क्या बताएं आपको? राणा जी कुंवर प्रताप के लिए इतना पक्का मन बना चुके हैं कि वो किसी की बात ही नहीं सुनना चाहते। हमने उन्हें बहुत समझाया कि जरा खुले मन से सोचे। ये भी कहा कि गुरुकुल में हो रही श्रेष्ठता की प्रतियोगिता में कुंवर प्रताप भी है और कुंवर शक्ति भी। जो भी प्रतियोगिता में श्रेष्ठ है उसे अवसर मिलना चाहिए, पर न्याय वाली वो बात कोई सुनना ही नहीं चाहते। कुंवर जी, बाजीराज, आपका तो हर तीर अचूक लग रहा है। देखिएगा, जरूर धनुष वाली प्रतियोगिता में आप ही जीतेंगे। सोम, हमें दीवार पर भी निशाने वाली तख्ती लगाकर तीर चलाने दो। आपको पता नहीं है सोम, कितना बोझ होता है हमारे सर पर जब हम आपके सर के ऊपर निशाना लगाते हैं। पर बाजीराज, इसीलिए तो आपका हर तीर सीधे निशाने के बीचों बीच लगता है। और इतना तो हम भी जानते हैं बाजीराज, कि चाहे कुछ हो जाए आप हमें कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकते। और यही दबाव तो आपसे सदा अचूक निशाना लगवाता है। अच्छा सोम, जैसा आप चाहेंगे वैसा हम करेंगे। भला आपसे बहस में कोई जीत सकता है क्या? भाई शक्ति, इतने जल्दी अभ्यास बंद? कड़ी प्रतियोगिता है, आइए और अभ्यास कीजिए। दादा भाई, अब हम किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे। क्यों? दाशीराज तो पहले आपको श्रेष्ठ मान चुके हैं युवराज बनने के लिए। आप तो पहले ही जीत चुके हैं ये प्रतियोगिता। और राणा जी, जैसे ही एक बार हमने सारे साक्ष्य एकत्रित किए तो ये बात हमारे सामने एकदम स्पष्ट हो गई। दिल्ली के वजीर शमशेर खान ने ही बाजीराज प्रताप की हत्या के लिए उस पेशेवर हत्यारे बशर खान को इब्राहिम खान बनाकर हमारे यहां भेजा। दिखा दी ना शम्स खान ने अपनी निष्ठा। हम नहीं जानते थे कि हमसे इतनी बुरी तरह से हारने के बाद
वो सांप हमें डसने के लिए इतनी जल्दी अपना फन उठाएगा। हमारा सैन्य बल इतना सक्षम नहीं है कि हम दिल्ली पर आक्रमण कर सके, नहीं तो हम उस सांप को फन उठाने से पहले ही कुचल डालते। नहीं राणा जी, अब दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो शम्स खान दिल्ली में है ही नहीं। कहाँ है वो शम्स खान? इस समय मेवाड़ में ही रहकर अपने अगले वार की योजना बना रहा है। क्षमा करने दाजीराज, हमें आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। कुंवर प्रताप, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है कि आपको हमारे राजकीय मंत्रणा में बिना आज्ञा लिए व्यवधान डालने आना पड़ा? बात महत्वपूर्ण नहीं होती तो हम ऐसा अपराध कभी नहीं करते। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? दाजीराज, आपने हमें ही अपना उत्तराधिकारी बनाने का मन क्यों बनाया? भाई शक्ति को क्यों नहीं? कुंवर प्रताप, क्या आपको कुंवर शक्ति ने सब कुछ बोलने के लिए भेजा है? अगर कुंवर शक्ति को इस निर्णय से समस्या है तो हमसे सीधे बात कर सकते हैं। आपको उनका हितरक्षक बनने की कोई आवश्यकता नहीं। कुंवर शक्ति से कहिए कि हम उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं, अभी।